से मिलते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लोगे वैसे तुम लोग इसको। इंसुलिन पता है क्या होता है तुम लोग को? मालूम है? नहीं। अच्छा ठीक, स्ट्रक्चर से अपने को मतलब नहीं है रे। ठीक है, ऐसे करके देता है। ये सब इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। इसमें है क्या मालूम है, ये देखो ये वर्ड दिख रहा है कि मिनिमम मोलार मास बताओ। इंसुलिन में सल्फर होता है डायबिटिक पेशेंट को जो देते हैं ना अपन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंसुलिन कंटेन दिस परसेंटेज ऑफ सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मोलार मास। मिनिमम मोलार मास बोलने का क्या मतलब समझते हो तुम लोग? ठीक है कि एटलीस्ट सल्फर में, हाँ सल्फर का एक मोल तो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग एक ही मोल लेके चलते हैं। मिनिमम मतलब क्या हो गया, एक, एक से कम तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या बताया था परसेंटेज के लिए फॉर्मूला, ऐसे लिख रहे थे ना अपन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिख रहे थे, इसका मोलार मास इंसुलिन का टोटल हो जाएगा इनटू 100, और ऊपर किसका मोलार मास, किसकी बात कर रही है, सल्फर की। सल्फर का कितना है, 32। अब इसने बोला मेरे को मिनिमम मोलार मास बताना है तुमको, ठीक है। तो इसको सिंपल सा सॉल्व कर दो, ये तो दिया ही है ना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना था अपने पास, 0.0016 इज इक्वल टू 32 अपॉन मिनिमम मोलर मास इनटू, ये 32 मैंने कहाँ से उठाया, सल्फर के एक एटम का ना, या एक मोल का बोल लो, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये जो मोलर मास निकल के आएगा वो भी किसका निकल के आएगा, मिनिमम का ही निकल के आएगा। तो फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा, चाहिए तो जीरो शिफ्ट कर लो, ठीक है। इसका चार जीरो हटाऊंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 10^6, ये हो जाएगा 32/16, ये मोलर मास यहाँ पे, समझा। तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास निकल के आएगा 2×10^6, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग 0.07% ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है तुमको, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा, मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन कितना लूँ, 14 पक्का, क्योंकि मैं एक एटम ही लेके चलूँगा ना उसका, या एक मोल लेके चलूँगा, तो एक मोल का तो 40 नहीं होगा। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, बट मिनिमम बोला है, मिनिमम मतलब एक भी हो सकता है ना, क्योंकि हमको बहुत सारे कंपाउंड पता है, NO2 है, HNO2 है, कुछ भी हो सकता है कंपाउंड, तो उसमें तो एक ही नाइट्रोजन है, तो मिनिमम लेके चलोगे, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, सुना है? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो अपन इसको ऐसे शॉर्ट में EM लेके चलेंगे, और इसको MF, नहीं यार, EF, EF और MF, ठीक। नहीं रे, है अभी टेंशन, मतलब मोल कॉन्सेप्ट बड़ा चैप्टर है, इतना समझ ले, अभी अपन आधा पढ़ चुके, आगे है भाई। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या चीज होता है, किसी भी चीज का फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला।
तुम बोल सकते हो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल और सब्सटेंस। ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसी फॉर्मूले में से दो नए फॉर्मूले निकल के आते हैं, और एक है तुम्हारा इसमें से एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ना किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूँ ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बट मैं बोलूँ इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला ना इसी का एकदम छोटा रेशियो होता है। ठीक है, कार्बन कितना था? 6, हाइड्रोजन कितना था? 12, और ऑक्सीजन कितने थे? 6। इसका स्मॉलेस्ट रेशियो अगर मैं ले लूँ तो क्या मिलेगा? 1:2:1। ठीक है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट रेशियो आएगा, कार्बन कितना आया? 1, हाइड्रोजन कितना आया? 2, और ऑक्सीजन कितना आया? 1। ये इसका क्या बोला जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का या किसी भी फार्मूले का जो स्मॉलेस्ट रेशियो पॉसिबल है उसी स्मॉलेस्ट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है? जैसे अगर मान लो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन अपन ना उसको मल्टीप्लाई करके वापस से इसमें लेके आते हैं। फ्रैक्शन में आता तो है, बट फ्रैक्शन में हमको कोई एम्पिरिकल फार्मूला दिखेगा नहीं। तो अगर जैसे मान ले तेरे को ऐसे मिल भी रहा है ना C1H1.5, तो इसको मैं राउंड फिगर में कैसे ला सकता हूँ? 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? C2 और H3 ना। ठीक है, तो ऐसे लेके आओगे इसको, ऐसे तुम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट मत किया करो। अगर ऐसा आ भी रहा है तो 2 या 3 से जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद राउंड फिगर बन जाए उससे करके इसको ऐसे लेके आने का। मैं बोलूँ अपने पास अमोनिया है, ठीक है, NH3, इसका मेरे को एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हो क्या तुम लोग? नहीं, हम लोग इसको रेशो के फॉर्म में लिखते ही नहीं, इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी NH3 आ जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी NH3 ही आएगा। नहीं भाई, मैं भी बोल रहा हूँ कि कभी रेशो वगैरह में मत लिखने लग जाना तुम लोग। ठीक है, रेशो तो अपन दिमाग में ऐसे कैलकुलेट करते हैं बट लिखते नहीं है उसको, समझा? डाउट है क्या कुछ? नहीं, जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुम लोग को, देखो। जैसे सपोज करो FeSO4, इसका तुम लोग बता सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? दूसरा मैं बोल दूँ N2O4, C4H10 या C12H22O11, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। पक्का इसका एम्पिरिकल फार्मूला FeSO4 ही होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा। N2O4 का एम्पिरिकल क्या होगा? NO2। मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? C2H5। और ये तो C4H10, इससे छोटा नहीं हो सकता ना, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। ये देखो क्या आ जाएगा। बताओ, यही आएगा रे पागलो। अगर कट नहीं रहा है तो काहे के लिए, इसको कैसे भी काटोगे फ्रैक्शन में चला जाएगा।
तो घूम फिर के तो वही आएगा ना, जिससे तू कट करेगी उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तेरे को। रिलेशन क्या होता है? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर, ये तीन फॉर्मूले याद रखो, इसी पे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर तुमको पता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहला तो ये है तुम्हारे पास, ठीक, पहला रूल। दूसरा, ये एन क्या चीज है? तो एन निकालने के लिए हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास ऊपर ले लो और नीचे रखते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नीचे कर देते हैं। बताता हूँ मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्लियर है ना? ठीक है, एक और याद रखोगे, याद क्या रखोगे? मैंने तुम लोग को बताया ही था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है रे अनिकेत? मोलार मास बाय टू। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टू हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमेशा टू ही लेते हैं ना, तो गैसेस के लिए तो टू ही रखना पड़ेगा अपने को। अगर उसने कोई रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो चेंज हो जाएगा, बट इन क्वेश्चन में लोग देते नहीं है अलग से। का मतलब समझा दे रहा हूँ पहले। कोई कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना हुआ है, जिसमें उसने कार्बन का परसेंटेज दे दिया, हाइड्रोजन का दे दिया, तुमको बोल रहा है कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे बताओ। मॉलिक्यूलर नहीं पूछ रहा है क्योंकि मोलार मास वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो खाली तुमको ये निकाल के खत्म करना। बताओ फटाफट। पास दिया क्या हुआ है? कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंट है। कार्बन कितना दे रहा है वो तुमको? 52%। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिया है उसने? 13%। तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा? थर्टी फाइव परसेंट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इन सभी को इनके मोलार मास से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 12 से, ये हो जाएगा 1 से, और ये हो जाएगा 16 से ना। तो ये तेरे को क्या मिल जाएगा? लगभग कितना? 12 3 36, 12 4 48, 4 पॉइंट, ऐसे कर लो ना, 4 पॉइंट कितना, 3 5 समथिंग आ जाएगा। मान लो ये तो आ गया कितना, 13, और ये आ गया कितना, 16 2 32, ये निकल के आ जाएगा तेरे पास। अब अपने को करना क्या मालूम है? ठीक है, स्मॉलेस्ट रेशियो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें बता। सबको डिवाइड कर दो ना 2.17 से। 4.35 को अगर 2.17 से डिवाइड कर दूं, 13 को 2.17 से, तो ये तो 1 मिल जाएगा। सबसे हार्ड वाला मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को, बाकी तुम लोग बताओ। ये 2 2 4 लगभग 2 टाइम जाएगा, और ये कितना जा रहा है, ये 6 टाइम तक जाएगा। तो आ गया ना ये रेशो। तो सबसे कम एम्पिरिकल फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा, तो कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, खत्म। C2H6 हो। कोई कंपाउंड है इसके पास जो क्रोमियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन से बना हुआ है, उसने इनका परसेंटेज दे दिया और बोला इनका मोलिकुलर मास जो है वो 294 है, तो
तो बताओ उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तुम लोग का पोटेशियम कितना आ रहा है? पोटेशियम दिया था 26.6, क्रोमियम अपने को आ जाएगा लगभग 35.4 के, और ऑक्सीजन दिया था 38% ना। तो इसको डिवाइड कर रहे हो कितने से? 39 से, इसको 52 से, और इसको 16। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? 6.8, 0.68। ये भी 0.68, और ये कितना आ रहा है? 2.4। चल ना भाई, अब जो सबसे छोटा नंबर है उसी को सबसे डिवाइड कर देगी ना। तो 0.68 को 0.68 से डिवाइड करेगी, ये भी 0.68 0.68 से डिवाइड होगा, और ये 2.4 को भी 0.68 से डिवाइड करेंगे। तो ये वन आ गया, ये वन आ गया, ये कितना आ रहा है देख रहे? इसको ले लो 3.5, 3 मत करना। बता रहा हूँ। तो अब तेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इसका? देख, पोटेशियम आ गया 1, Cr आ गया 1, Or वो ऑक्सीजन है 3.5। तो मैंने बोला था ना, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दिखेगा तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K2 Cr2, क्या O7। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है फाइनल। फ्रैक्शन में हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट रहेगा तो एडजस्ट कर लेंगे। ये एकदम हाफ पे आ रहा है ना, ना तो मैं 3 ले सकता था ना तो 4 ले सकता था, इसको 3.5 ही रहने दोगे, समझा? अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, अब आगे एम्पिरिकल तो मिल गया, उसने मॉलिक्यूलर पूछा है तो एन निकाल लो। एन दिया था 294, इसका भी जब तुम लोग K2Cr2O7 का निकालोगे तो शायद इतना ही आता है, 294 ही आएगा। तो ये तो आ गया 1, तो जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। इसका निकाल के देखो 294 आ रहा है क्या। तो इस क्वेश्चन में तुमको करना कुछ नहीं था एक्चुअली, जो भी कार्बन था, हाइड्रोजन था और नाइट्रोजन था, जो इनका वेट रेशियो था 9:1:3.5, वही प्रोसेस है। इसको 12 से ये कर दो, इसको 1 से और इसको 14 से। ठीक है, जो भी आएगा पहले स्मॉलेस्ट रेशियो निकाल लोगे, उससे तुमको क्या मिल जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर मास से फॉर्मूला निकाल लोगे डायरेक्ट। तो सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना था इसमें। बोल, कोई कंपाउंड है जिसमें इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट नाइट्रोजन है, वेपर डेंसिटी दे दिया है, और तुमको उसने पूछा है कि बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। चलो, ऑल योर्स।